पहला अटेम्प्ट अगर 84 का है तो फिर तीसरा अटेम्प्ट कितने का होगा? संजय दत्त, टोक्यो में तीसरा 89 अनसक्सेसफुल रहा था, मुझे लगता है कि उसको अब टारगेट ये जरूर करना चाहेंगी। मीरा बाई चानू भारत की सबसे बड़ी उम्मीदों में शुमार है इनका। एक छोटे से कस्बे से निकलती हुई हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिभा मीराबाई चानू इस समय पहली लिफ्ट की तैयारी कर रही हैं, पूरी एकाग्रता के साथ पहली लिफ्ट 84 किलो पर। इतना वजन तो ये सपने में भी उठा लेंगी। प्रणाम आपको है मीराबाई। तो सारे देश की आंखें गीली हो जाती हैं, क्या मीराबाई चानू आज उसी तरह का एक अनुभव समूचे देश को देने जा रही है? जैसा पहला कदम रखा है, तैयार हो जाइए। स्नैच के बाद क्लीन एंड जर्क, आज राष्ट्रीय आज भारत का राष्ट्रगान यहां बर्मिंघम में हम सब सुनेंगे और खड़े होकर गर्व करेंगे भारतीय होने पर। मीराबाई चानू अपना पर्सनल बेस्ट अटेम्प्ट करने जा रही हैं। पर्सनल बेस्ट, सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं उनके कॉन्फिडेंस का। दूसरा अटेम्प्ट मीराबाई चानू का, लोअर बैक पर काफी देर ठहरने के बावजूद कामयाबी के साथ ये अटेम्प्ट पूरा किया मीराबाई चानू ने। तीन की तीनों ग्रीन लाइट उनके फेवर में, पर्सनल बेस्ट हासिल कर लिया सुनील। बिल्कुल बराबरी कर ली है अपने सर्वश्रेष्ठ नेशनल रिकॉर्ड की, और इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट करते हुए ये उनका पर्सनल बेस्ट है 88 किलोग्राम। जितनी तालियां इनके लिए बजे उतनी ही कम है देवी और सज्जनों। अपने घर में है, अपने ऑफिस में है, कहीं भी है, इनके लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। अद्भुत प्रदर्शन मीराबाई चानू, 88 किलो का वजन उन्होंने उठाया है दूसरे अटेम्प्ट में, कुल मिलाकर 12 किलो की लीड है नंबर दो पर चल रही एथलीट के ऊपर। क्लीन एंड जर्क में पहुंचती हैं तो 80% उम्मीदें यही है कि भारत की मीराबाई चानू अपना गोल्ड बिल्कुल तय कर लेंगी। 90 का अटेम्प्ट है संजय दा, उम्मीदें भी 80 से 90% कर दीजिए। कोई बात नहीं, ये मुस्कान बनी रहे मीराबाई। 88 किलोग्राम का दूसरा जो आपका अटेम्प्ट था वो इंटरनेशनल लेवल पर आपका पर्सनल बेस्ट है, और अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 12 किलोग्राम की लीड इस भारत की शेरनी ने पहले ही हासिल कर ली है। अच्छी बात ये, क्योंकि उम्मीदों का दबाव है मीराबाई चानू पर इस समय। पहला अटेम्प्ट उन्हें गोल्ड मेडल दिला देगा अगर वो कामयाब रहा। 109 किलो पर पहला अटेम्प्ट लिया है मीराबाई चानू ने। टोक्यो ओलंपिक्स में भी जो पहला इनका अटेम्प्ट था वो 110 का था, तो उससे 1 किलोग्राम कम किया है क्योंकि वही काफी है। तैयार हो जाइए प्रभु, पूरा भारत हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है अपने पहले गोल्ड मेडल के लिए, पहले सोने के लिए। सोना जितना तपता है उतना ही चमकता है, और चानू की चमक से अब सोने के भाग भी जाग गए हैं। पहला गोल्ड मेडल बर्मिंघम 2022 में मीराबाई चानू ने भारत को दिलवाया है। मुबारक मीराबाई, मुबारक भारत। कर चुकी है लेकिन इसके बावजूद अपने स्टैंडर्ड को और बढ़ाने की कोशिश, 113 किलो के लिए जा रही है दूसरे अटेम्प्ट में, और समूचा स्टेडियम और स्टेडियम में बैठे लोग इस समय एक सपना देख रहे हैं, एक सपने को हकीकत में बदलता हुआ देख रहे हैं। एक ऐसा सपना जो न सिर्फ मीराबाई चानू ने देखा बल्कि समूचे हिंदुस्तान ने देखा है। जोश भर देते हैं संजय दा सब में। वर्ल्ड रिकॉर्ड 119 का क्लीन एंड जर्क में इनके नाम है, तो 113 इनके लिए क्या चीज है। मीराबाई चानू की चुनौती यहां सिर्फ मीराबाई चानू है। गोल्ड जेब में है, खुद को बेहतर भी किया है।
हम सबको गौरवान्वित भी किया है। 115 किलो के लिए जा रही हैं। तीसरा अटेम्प्ट है मीराबाई शानू का। गोल्ड मेडल पहले ही उन्होंने हासिल कर लिया है। भारत को वेटलिफ्टिंग में आज एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज अब तक मिल चुका है, यानी कि तीनों रंग के मेडल्स भारत ने आज हासिल किए हैं वेटलिफ्टिंग में। और यह आखिरी अटेम्प्ट होगा मीराबाई चानू का। वर्ल्ड रिकॉर्ड से, अपने पर्सनल बेस्ट से थोड़ा सा कम वजन अटेम्प्ट कर रही हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड पहले ही कायम कर चुकी हैं 201 के टोटल वेट के साथ। इस नाकामयाबी के कोई मायने नहीं है, क्योंकि जो कामयाबी ये पहले ही हासिल कर चुकी हैं, वो ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जा चुकी है। मुबारक फिर से मीराबाई चानू, और बहुत बहुत धन्यवाद भारत को यहां बर्मिंघम 2022 में पहला गोल्ड मेडल दिलवाने के लिए। अद्भुत प्रदर्शन मीराबाई का, समूचा हिंदुस्तान उनके इस प्रदर्शन को ताउम्र याद रखेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में आज उन्होंने तमाम अभिलाषाओं को जीवंत कर दिया, सजीव कर दिया, ये बता दिया कि हौसलों की उड़ान एक ऐसी उड़ान है जिसे कभी रोका नहीं जा सकता, जिसे थामा नहीं जा सकता, बशर्ते कि उस उड़ान के लिए आपके अंदर ईमानदारी हो। मीराबाई चानू गोल्ड जीत चुकी है, जबकि the medals will be presented by Sydney Louis, Commonwealth Games Association Secretary General. Sydney Louis, मुख्य अतिथि हैं। Chris Simpson, Non-Executive Director and Chair of Audit at Commonwealth Games England. साथ में क्रिस सिम्पसन, मेरे साथ हैं संजय बनर्जी, हमारे सामने हैं मीराबाई चानू। खेलना, देश का प्रतिनिधित्व करना पहला सपना, पोडियम पर पहुंचना उससे बड़ा सपना, और हेना कमिंस्की कनाडा की कोच मैडम, जो कि वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टिंग की कोच भी है, न्यूट्रिशन कोच भी है, ये कनाडा में पिछले 5 सालों से ये कोचिंग भी कर रही हैं, और अब ये कॉमनवेल्थ गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल लेकर कनाडा जाएंगी। 171 का टोटल लिफ्ट था इनका, स्नैच में 74 सर्वश्रेष्ठ। मॉरिशस की रना वसोवा, जिन्होंने रजत पदक जीता, मारिया हरित्रा रोयलिया रनी वसोवा, और अपने देश के लिए खुशियां समेटी, ये गौरव की क्षण। पिछली बार भी इन्हें रजत पदक मिला था, ये वो क्षण है जो मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए रच बस जाते हैं। देवी और सज्जनों, जहां कहीं भी आप हैं, घर में या ऑफिस में, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए और तालियां बजाकर मीराबाई चानू का अभिवादन कीजिए। बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पहला गोल्ड मेडल भारत की इस चैंपियन सुपुत्री मीराबाई चानू ने जीता है। ये दिन सिर्फ मीराबाई चानू के लिए बड़ा नहीं, बल्कि समूचे हिंदुस्तान के लिए बड़ा दिन है, लेकिन इरादे पर
तिरंगे का अभिमान है चानू, तिरंगे का स्वाभिमान है चानू।